हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के बॉटनी के जो लेक्चर थे पिछले, उनमें हम लोग पोएसी की बात कर रहे थे। ग्रेमनी फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी स्टैम लीफ इंट्रोसेंस फ्लावर के बारे में, एक फ्लावर स्टैमिंग इंट्रोसियम गाइनोसियम फ्रूट एंड फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में बात की कि इस फैमिली से हमें सीडस प्राप्त होते हैं। चलिए आप बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में यदि हम पहला प्लांट लेके चलें, सैकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे गन्ना बोलते हैं, यह एक कल्टिवेटेड एनुअल कैश क्रॉप है, यानी कि एक नकदी फसल है। इसके स्टेम को क्रश करके, यानी कि जो क्रशर होता है, कुचल कर शुगर केन का जूस प्राप्त हो जाता है। जो गन्ने का रस होता है, हम गन्ने को कोहलू द्वारा जो पिलवाते हैं क्रशर द्वारा, तो उससे उसका रस प्राप्त होता है। इसकी बॉइलिंग, सल्फोनेशन, क्रिस्टलाइजेशन से शुगर बनाई जाती है। जो जूस होता है, इसका हम बॉइलिंग करते हैं, उसको फिर उसका सल्फोनेशन करते हैं, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में लाकर शुगर के क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं। और शुगर इंडस्ट्रीज के जो सेकंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट जो होता है, मोलेसिस, जैसे सीरा बोलते हैं, उससे हम इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, वाइन, रम वगैरह सब तैयार की जाती है। जो मोलेसिस से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, एक सेकंड प्रोडक्ट होता है। और जो अपने आप में मोलेसिस जो होता है, वो कहते हैं खाद का भी काम करता है, और भी डिफरेंट इसके यूजेज हैं, सीरा जिसे बोलते हैं। और रहा इसका जो पार्ट, जो खोई होता है, यदि जो जूस निकलने के बाद जो पार्ट बचता है, खोई या बगेज कहते हैं, वो पेपर इंडस्ट्री में रफ टाइप के पेपर बनाने के काम प्रयोग में आता है, और इसको ईंधन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, इसको ईंधन जलाने के रूप में भी यूज किया जा सकता है। एक प्लांट है इसका सैकेरम मुंजा, जिसे मूंज कहते हैं, यह एक वाइल्ड सरब है, जिसे मोस्टली बांध, जो खेत जो बांध होते हैं और खेतों की जो मेड़ें होती हैं, उस पर सैंड बाइंडर के रूप में लगाया जाता है, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी डेंस होती हैं, गहराई तक चली जाती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं ना, इससे मिट्टी का कटाव, जो मृदा अपरदन बोलते हैं इसको, वो रुकता है, सॉइल इरोजन। तथा इसकी पत्तियों से एक हार्ड रफ तथा टफ टाइप का फाइबर निकाला जाता है, जिसे मूंज कहते हैं। और इसकी जो तने हैं, तने जो स्टेम है, इसका प्रयोग जो होता है वो चेयर व लॉन्ग चेयर बनाने में किया जाता है। मूड़े टाइप होते हैं, सेटे जिन्हें बोलते हैं, उनका डिफरेंट टाइप से हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो लीफ फाइबर होता है, लीफ फाइबर का उपयोग रस्सी, पेंट, ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। कूची टाइप की जो होते हैं, वो सब मूंज की कूची होती है, पुताई की कूची होती है, उन्हें वो सब बनती हैं इससे। एक अगला प्लांट है, एक है वेटिवेरिया जिजेनॉइड्स, जिसे हम खसखस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और यह एक कल्टिवेटेड बुश श्रब है, यानी कि झाड़ी नुमा। इसकी जो फाइब्रस रूट होती है, इसका जो मेन करेक्टर इसका जो है, इसकी जो फाइब्रस रूट होती है, वो सुगंधित होती है, और इसके स्टीम डिस्टिलेशन से, यानी कि भाप आसरण से, इसके भाप आसरण से अत्यंत सुगंधित ऑयल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूमरी तथा अन्य सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो कुछ अन्य पेय पदार्थ होते हैं, उसमें खसखस का प्रयोग किया जाता है। इसकी अतिरिक्त इसकी जो जड़ें होती हैं, उसको सुखा कर, उसको कूलर के जो पैड होते हैं और वो चिक होती हैं, वो बनाने में किया जाता है। और जो चिक होती हैं, इनका उपयोग गर्मी के समय में किया जाता है। तो ये वेटिवेरिया, जिसे खसखस बोलते हैं, मूंज है, और एक प्लांट इसमें है सिम्बो पोगोन फ्लेक्सस। इसकी पत्तियों से एक ऑयल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग परफ्यूमरी तथा कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमने ये फैमिली पढ़ी, मोनोकोट की एडवांस फैमिली हमने पढ़ी, जैसे ग्रेमनी है, पोएसी है। अब एक फैमिली हम और डिस्कस करेंगे आज, फैमिली रूबिएसी। ये डाइकॉट की फैमिली है, इसको क्लासिफाई करें, सीड प्लांट,
डाइकॉट, गेमोपेटली और इन्फ्री, इसका जो सीरीज है वो इन्फ्री है, इन्फ्री रूबियलीज रूबियसी फैमिली रूबियसी। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हैबिट। हैबिट में मोस्टली ट्रीज तथा श्रब्स हैं, बट फ्यू आर श्रब्स, कुछ श्रब्स भी इसमें पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज की बात करें तो सिनकोना स्पसीज, जिससे कुनेन प्राप्त होता है, सिनकोना इसमें पाया जाता है ट्रीज में। और एडिनोकॉर्डीफोलिया, जिसे हल्दू बोलते हैं, हल्दू। और एक है एंथोसीफलस कदम्बा, जो कदम का ट्री होते हैं, बड़े बड़े कदम के जो पेड़ होते हैं, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। श्रब्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो एक्जोरा स्पसीज है, गार्डेनिया स्पसीज है। और यदि हम श्रब्स की बात करें तो श्रब्स में इसमें एक्जोरा स्पसीज आती है, गार्डेनिया स्पसीज आती है, और कॉफी अरेबिका, जो कॉफ़ी है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। और एक प्लांट है हर्ब, इसका एग्जाम्पल है ओल्डनलैंडिया। ओल्डनलैंडिया एक हर्ब इसी फैमिली को बिलोंग करती है। रूट इसका देखें तो टैप रूट सिस्टम, स्टैम, मोस्टली इलेक्ट होता है, सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और रिब्ड होता है। रिब्ड मतलब रिविन, यानी कि चपटा होता है, रिब्ड होता है, वुडी एंड ब्रांच्ड होता है। लीव्स देखें पेटियोलेट हैं, स्टिपुलेट हैं, और जो स्टिप्यूल जो होते हैं वो भी इसका एक स्पेशल फीचर है। इसमें दोनों प्रकार के स्टिप्यूल पाए जाते हैं, इंट्रा और इंट्रा पेटियोलेट, दोनों प्रकार के स्टिप्यूल जाते हैं। तो पेटियोलेट होगी लीव, स्टिपुलेट होगी आइदर द स्टिप्यूल आर इंटरपेटुलर और इंट्रापेटुलर, दोनों प्रकार के इंटर और इंट्रापेटुलर दोनों प्रकार के स्टिप्यूल पाए जाते हैं। रेमल एंड काउलाइन है, ऑलवेज सिंपल, मार्जिन एंड टायर होता है, अपोजिट होती है, डेक्यूसेट होती हैं, और वेनेशन इसका रेटिकुलेट होता है, यूनिकॉस्टेट होता है, वेनेशन रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट। इन्फ्लोरेंस वेरिएबल बट मोस्टली मिक्स टाइप, जो इन्फ्लोरेंस होता है इसमें वैरायटी फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो मोस्टली होता है वो मिक्स टाइप होता है। जिसके फ्लावर होते हैं पेडिसलेट, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, पेडिसलेट हैं, ब्रैक्टिएट हैं, इब्रैक्टिएट हैं, एक्ट्रोमॉर्फिक हैं, और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, टेट्रा और पेंटामीरस हो सकते हैं, और कंप्लीट हैं, और एपिगाइनस हैं। एपिगाइनस इसलिए इन्फ्री का मेंबर है तो एपिगाइनस होते हैं। कैलिक्स देखें 4 to 5 सेपल्स हैं, गैमो सेपल्स हैं, और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है इसमें, 4 to 5 सेपल्स, गैमो सेपल्स, वॉल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला, जो कोरोला हैं उनकी संख्या 5 or 4 होती है, गैमोपेटलस होते हैं, एंड फॉर्मिंग ए कोरोला ट्यूब, जो जो कोरोला ट्यूब बनती है वो फनल शेप्ड होती है। वेरियसली कलर्ड है, ट्विस्टेड और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। अब देखिए एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में 4 or 5 स्टैमेंस हैं, एंटीसेपलस हैं, पॉलीएंड्रस, और फिलामेंट बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, इंसर्टेड होते हैं, डाइथिकस होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। फिलामेंट वेरी स्मॉल, इंसर्टेड, डाइथिकस, एपिपेटलस। गाइनोसियम देखें तो गाइनोसियम की जो संख्या है 2 to 5 कार्पस हैं, कार्पस के 2 से 5 हैं, सिनकार्पस है, और बाई टू मल्टी लॉकुल्स, लॉकुल्स की संख्या जो हो सकती है वो 2 से, मल्टी लॉकुलर मतलब बहुत सारे लॉकुल्स हो सकते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो होगा वो एक्साइल होगा, और ओबरी इन्फीरियर होती है, ओबरी इन्फीरियर होती है। फ्लोरल फार्मूला देखें, फ्लोरल फार्मूला में देखेंगे जो फ्लावर्स में ब्रैक्टीरिया और इब्रैक्टीर हो सकता है, एक्ट्रोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, तो कैलिक्स की संख्या है 4 to 5,
और करोलों की संख्या भी 4 to 5 हो सकती है। दोनों ही की कंडीशन गैमो है, गैमोसेफलस, गैमो पैटलस। एंडोसियम 4 या 5 हैं और जो कंडीशन वो इपी पैटलस है। इपी पैटलस का मतलब क्या है, स्टेमिन्स पैटल से फ्यूज होते हैं। गाइनोसियम में जो कार्पस की संख्या होती है वो 2 से 5 होती है और ओवरी इन्फीरियर है, इसकी ओवरी इन्फीरियर है। एक्सोरस पस इसका दिए हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो इस प्रकार बनाएंगे, बाहर वाली रिंग वॉल्वेट, अंदर वाली ये ट्विस्टेड है, ये अंदर वाली ट्विस्टेड है। एपिपेटलस कंडीशन दिखाई दे रही है, स्टेमेंस की संख्या 5 है और जो ओवरी है वो वाई कार्पुलरी सिन कार्पस है और बाइलोकुलर है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। प्रत्येक ओब्यूल में, प्रत्येक जो लॉक्यूल है उसमें ओब्यूल की संख्या 1-1 है, 1-1 है। ये एक्सोरा स्पीसीज का एग्जांपल है, एक्सोरा में ऐसा होता है। अब देखें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है कोकेन, सिनकोना स्पीसीज, जिसे हम कोकेन कहते हैं। यह है एक कल्टिवेटेड इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसकी निम्न 4 स्पीसीज उगाई जाती हैं जो उससे हम कोकेन प्राप्त करते हैं। जो मलेरिया की सबसे बेस्ट दवाई है, पेटेंट दवाई है, वो जो हम प्राप्त करते हैं वो एक मेडिसिनल प्लांट जो सिनकोना है उससे प्राप्त करते हैं। जो ट्री है 4 स्पीसीज उसकी हैं, 4 स्पीसीज में हैं, एक तो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना सक्सीरूबरा है और सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना कैलिसाया और सिनकोना लेग्रियाना। ऑफिसिनेलिस, कैलिसाया, सक्सीरूबरा ये इसकी एक फेमस जातियां हैं।